हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के बारे में पढ़ा और इनके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आई होप कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आ रही हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, अगली बार मैं उसे आपको सॉल्व करके दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। एंगल यानी कि पिछली बार तो हमने केवल त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था, साइन कोस टैन की वैल्यू निकाली थी, और आज हम इनके जो एंगल होंगे, कोण होंगे, उनके बारे में, उनके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोण जैसे कि त्रिकोणमिति जो कोण होते हैं, ये जीरो हो गया, जीरो डिग्री हो गया, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये कोण, इनके बारे में आज हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे कि ये इनकी क्या वैल्यू होंगी और इनके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। पहले तो जो त्रिकोणमिति में हमने देखा था कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज हमने स्टार्ट किया था, ये 90 डिग्री हो गया, हम इसके नाम दे देते हैं ए बी सी, ये 45 डिग्री, ये भी 45 और ये 90 की, आपने इससे पहले हमने पढ़ा था। अब हम 45 एंगल, पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले कोण से, 45 45 डिग्री के त्रिकोणमिति है, अनुपात आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये इसकी क्या वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू क्या होगी, मान कैसे निकलता है ये। पहले तो हमने सिंपली हमें सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज, नाम दे दिया हमने ए बी सी, समकोण त्रिभुज हमने बनाया जिसका बी एंगल ये 90 डिग्री का होगा। ये तो पता है कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमने इसमें बी कोण वो है 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि जब बी कोण 90 डिग्री का होगा तो ए और सी ये 45 डिग्री के हो जाएंगे। पैंतालीस डिग्री के ये हो जाएंगे, जब कोण ये 45 डिग्री के 45 डिग्री, तो हम कह सकते हैं जो ए बी होगी, भुजा ए बी, ये बराबर होगी भुजा बी सी के, क्योंकि कोण सी और कोण ए बी बराबर हैं, तो ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर होगी। मैं दिखा दूँ आपको, भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी के, ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी, बी सी भुजा के बराबर होगी। हमने भी डिसाइड पढ़ा, हमने ये बी कोण 90 डिग्री का है, ए कोण 45 का है, सी कोण 45 का है और ए बी भुजा बराबर है बी सी के। अब ए बी बराबर बी सी को हमने ए मान लिया, ए बी जो भुजा ए बी है और जो भुजे ए बी बराबर बी सी है, इसको हमने इक्वल ए मान लिया, बराबर में ए मान लिया। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय क्योंकि ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर भी ए है, तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था आपको, मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एसी का स्क्वायर ऐसे रहेगा, एबी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एबी बराबर बीसी बराबर दोनों को इक्वल ले लिया ए के, तो एबी की एबी बराबर क्या होगा, ए होगा, ए का स्क्वायर प्लस बीसी बराबर भी ए होगा, यहाँ भी ए का स्क्वायर हो गया। एसी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया टू ए स्क्वायर, तो एसी की वैल्यू क्या आ गई, ये अंडर रूट टू ए स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट टू, इसको हम ए अंडर रूट टू लिख सकते हैं। तो जो एसी की वैल्यू आई हमारी वो ए अंडर रूट टू आई, ए के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये टू अंडर रूट आ जाएगा इसका। तो हमने हमने एसी की वैल्यू निकाल दी, ये हो गया ए बी हो गया ए, ये हो गया ए, एसी बराबर ए अंडर रूट टू। अब ये कोण 45 का है, तो हम कोण साइन की वैल्यू निकालेंगे। अभी साइन 45, इसमें हम साइन के लिए ये एंगल भी ले सकते हैं, ये एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल 45 के हैं, तो हम इनमें से किसी एक को भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एंगल ए को लिया है 45 बराबर, हमें पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। अब हम डायग्राम में आते हैं, लंब ए लंब हो गया बी सी, यहाँ पे लंब क्या हो गया बी सी। हमें बी सी बराबर ए, ए बी बराबर ए और ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ए सी बराबर क्या हुआ, ए अंडर रूट टू आया, ए अंडर रूट टू आ गया, हमारा ए सी की वैल्यू भी आ गई, ए बी की पता है और बी सी की वैल्यू पता है हमें। अब हमें साइन थीटा क्या होता है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब लंब क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, तो साइन थीटा हम ए ले सकते हैं, क्योंकि हम एंगल ए ले रहे थे, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी ये आया हमारा, ठीक है। क्योंकि एंगल ए 45 का है, ये लिखा है हमने, दिखा वो हमें पता है हमने कि जब ये 90 का है तो बाकी दो कोण 45 के होंगे, तो एंगल जो कोण ए है वो 45 का है, तो हम इसलिए साइन ए की जगह हम 45 रखेंगे, 45 डिग्री। तो जो साइन 45 डिग्री क्या वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन ए सी। अब हम देखते हैं बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ बी सी की वैल्यू क्या है, ए, बी सी बराबर ए आ गया, और जो ए सी है वो क्या है, ए सी की वैल्यू यहाँ से पता लगी हमें, ए सी की वैल्यू क्या है, ए अंडर रूट टू, तो ये ए अंडर रूट टू आया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन अपॉन अंडर रूट टू, ये हो गया साइन, ये होगी साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन अंडर रूट टू,
इसी प्रकार से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। हम डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमें इजी से और अच्छे तरीके से याद रहे। ए बी सी, ये 90 का था, ये 45, ये भी 45, ये ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए, और ये ए अंडर रूट टू जो हमने वैल्यू निकाली थी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर आप भूल चुके हों तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लाल एल ए एल कक्का, लाल कक्का बताया था। अगर आपको याद ना हो, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये सबसे छोटा और एक फार्मूला है जिसकी वजह से आप हमेशा साइन कॉस टेन की वैल्यू याद कर सकते हैं इजी तरीके से और कभी भूल नहीं सकते। बस इतने वर्ड को याद रखना है। ये फर्स्ट जो होता है ये साइन किलो होता है, ये कॉस होता है, टेन होता है, और उल्टा ये कॉसैक सैक कॉट। साइन की निकालिए हमें कॉस, कॉस से क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम एंगल ए लेते हैं, एंगल ए, तो हम इसे ले सकते हैं कॉस ए बराबर आधार, आधार क्या हो गया ए बी, और कर्ण ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है ए, और ए सी की वैल्यू क्या है ए अपॉन अंडर रूट टू। ए सी ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी वन अपॉन अंडर रूट टू कॉस ए। इसे हम कॉस एक एक का एंगल कितना है 45, तो कॉस 45 का मान कितना हो गया वन अपॉन अंडर रूट टू, साइन 45 के मान के बराबर ही। इसी प्रकार से हम टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा आधार बटे लंब। अब टेन थीटा की जगह हम टेन ए लिख सकते हैं, टेन ए। हम त्रिभुज पे आते हैं, अपने डायग्राम पे आते हैं, आधार बटे लंब, आधार क्या हो गया ए बी, और सॉरी लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब क्या हो गया बी सी, अब अपॉन आधार, आधार क्या हो गया ए बी। अब ए की जो एक कोण कितने का है 45 का है, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री बराबर बी सी, बी सी क्या है ए, ए बी क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप ए बी की वैल्यू भी ए है, बी सी बराबर ही ए, तो ए अपॉन ए ये हो जाएगा वन। टेन 45 का मान वन। इसी प्रकार से हम कॉस सेक का भी निकालते हैं, कॉस सेक थीटा, क्योंकि कॉस सेक थीटा साइन थीटा का ही अपोजिट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, ये फार्मूला है। ये पिछले ही लेक्चर में मैंने इससे पहले लेक्चर में से बताया था आपको कि हम कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम कॉसेक 45 को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी आई थी वन अपॉन अंडर रूट टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट टू, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा वन, तो हम इसको ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट टू। कॉसेक 45 का मान हम लिख सकते हैं
cosec 45 is equal to under root 2, under root 2 cosec 45 का मान क्या हो गया under root 2। इसी प्रकार से sec, इसी प्रकार से हम sec theta sec क्या होता है, cosec का अपोजिट होता है, तो हम लिख सकते हैं sec theta upon 1 upon cos theta। और sec 45 के लिए 1 upon cos 45 की वैल्यू क्या आई थी, 1 upon under root 2 आई थी, तो इसका भी 1 under root 2 हो जाएगा, 1 upon under root 2, ये under root ऊपर चल जाएगा, तो इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, under root 2 आएगा, यानी कि sec हम लिख सकते हैं sec 45 इक्वल टू अंडर रूट 2। इसी प्रकार से sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा क्या होता है, सॉरी cot थीटा होता है, cot थीटा वो tan थीटा का अपोजिट होता है, तो हम cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से tan cot थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, अब कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन का टैन थीटा, इसको हम 1 अपॉन का टैन थीटा में लिख सकते हैं, तो कॉट 45 अपॉन का 1 अपॉन टैन फोर्टी फाइव की वैल्यू 1 आई थी, अभी हमने सॉल्व किया, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू 1 आई है, हम इसको अब यहाँ ले सकते हैं 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1, तो कॉट 45 की वैल्यू होगी 1। तो इस हमने अब क्या 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे 30 और 60 डिग्री के त्रिकोण मितीय अनुपात। इसके लिए हमें एक 30 और 60 के डिग्री के जो कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जब सभी भुजाएं समान होंगी तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, समान ही होंगे, हम नाम दे देते हैं इसे ए बी सी, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, समबाहु त्रिभुज बनाया, इसके सभी एंगल दिखा सकते हैं हम, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी, ये बराबर होंगे कितने 60 डिग्री के, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी समान होंगे, और इन तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है, जैसे कि हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया। अब हम भुजा ए यानी एंगल ए से लंब डालेंगे बी सी पर, जो भुजा बी सी है हम यहाँ से एक लंब डालेंगे, लंब हमने एक लंब डाल दिया भुजा ए बी पर, हमने बी सी पे ए एंगल से बी सी पे लंब डाल दिया, अब ये दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज पहला ए बी, इसको पहले हम नाम दे देते हैं डी, जो हमने लंब डाला बी सी पे और जहाँ पे बी सी पे इसने आके जहाँ पे ये बिंदु आगे मिला ऐसे हम डी दे दिया, अब ये दो त्रिभुज बन गए ए बी डी और ए सी डी। पहला त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज
ए बी डी, ये पहला त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज क्या होगा? ACD, त्रिभुज ACD। पिछले क्लास में हमने 9th में पढ़ा था त्रिभुज के सर्वांगसन के नियम। इसमें देखिए, एक कोण बराबर है, कोण एक कोण कॉमन है, ये जो कोण होगा ये बराबर होगा इसके, और ये जो ये भुजा AD दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये सर्वांगसम हुआ त्रिभुज। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ABD बराबर और सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। जब ये सर्वांगसम होगा तो BD जो भुजा BD होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये बराबर होगी DC के। जो भुजा BD होगी, भुजा BD है BD भुजा बराबर होगी DC के। भुजा BD बराबर भुजा DC। और जो कोण होगा एंगल BAD, ये बराबर होगा CAD के, यानी कि ये कोण बराबर होगा इसके। तो हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, जो एंगल कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के, ये कोण बराबर होगा CAD के। और ये जो D कोण है, जो D बिंदु है, ये दोनों के लिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 60 डिग्री का कोण है, तो हमें पता चल गया कि ये जो ये कोण BAD होगा वो कितने का होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं त्रिभुज के, हमें पता है त्रिभुज किसी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें दो एंगल पता हैं, ये 90 के हैं और ये 60 का है, तो हम इसको ऐड करके तीसरे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे तीसरे जो तीसरा एंगल होगा उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर मैं ऐसे करके दिखाता हूँ छोटा सा, हम किसी एक त्रिभुज को पकड़ते हैं, हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू आएगी 180 के बराबर आती है। ठीक है, अगर हमने ये एंगल को हमने माना, ये एंगल ABD कि हम कोई नाम दे देते हैं, माना इसको दिया P, BAD को हमने P माना, ADB इस एंगल को Q माना, और ABD को हमने R मान लिया। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा, और हमें Q और R की वैल्यू पता है, P की नहीं पता है, क्योंकि हमने इस कोण को P माना है, तो हमें इसकी निकालनी है। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, हम इस दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा P की क्या हुई वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये कितना जाएगा P, ये जाएगा 150। तो हमें P की वैल्यू पता चलनी है, P क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 ये आ जाएगा 30। तो P की क्या हो गया जो 30, ये एंगल आ गया 30 का। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, बेसिकली ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बहुत पहले पढ़ी होंगी 6, 7, 8 में। तो अब हम लिख सकते हैं जो एंगल BAD है, BAD कितने का होगा, ये जब ये 90 का है 60 का, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री का होगा,
तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी 30 डिग्री का एंगल होगा। अब हम 30 डिग्री का होगा। अब हमने माना, अब हम फिर से एक डिजाइन वो त्रिभुज बनाते हैं, दोबारा से वही डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। हमने समबाहु त्रिभुज बनाया था, एक लंब डाला था, ये ए बी सी, इसको हमने डी कहा था, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 60 का हो गया, और ये हमने अभी निकाला 30 का। अब हम ए बी, ये भी 60 का हो जाएगा, जैसे भी हम 30 बोल सकते, लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 60 90, ये एक त्रिभुज ये हो गया, पहला त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी, और सेकंड त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी। अब इनमें से हम किसी एक त्रिभुज को, किसी भी एक त्रिभुज को हम ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी को ले सकते हैं, बी सी डी को। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी होगी, निकालनी है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री की, तो हमें 30 का कोण मिल गया और 60 डिग्री का भी कोण मिल गया। इसके ये सब करने के लिए हमें 30 और 60 डिग्री कोण की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और तक कुछ किया। अब हम ए बी बराबर 2a, जो ए बी होगा, ए बी इसको बराबर 2a मान लेते हैं, ए बी बराबर 2a, ए बी बराबर 2a, जो ए बी बराबर 2a, क्योंकि यह अगर हम कोण त्रिभुज ए बी डी लेते हैं तो यह त्रिभुज ए बी डी की सबसे बड़ी भुजा है, ए को एंगल बी ए बी डी 60 का हो गया, और दो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, पहला है त्रिभुज जो है पहला ए बी डी, ए बी डी, और जो दूसरा त्रिभुज है वो है ए सी डी। हम इनमें से किसी एक त्रिभुज को ले सकते हैं। अब हमें साइन 60 और 30 की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले हमें उनके कुछ मान रखने होंगे, जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले 45 डिग्री के कोण में हमने ए बी बराबर ए और बी सी बराबर ए लिया था, और जो ए सी का मान आया था वो ए अंडर रूट 2 आया था सॉल्व करने के बाद। अब हम इसमें हम ए बी, ये जो ए बी है, ए बी बराबर हमने 2a ले लिया, ये हो गया माना, हमने माना है, ठीक है, ये ए बी बराबर हम 2a ले लिए। हम बी सी को, ये जो बी सी है, बी सी ये बराबर किसके है, बी डी, बी सी बराबर किसे, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, क्योंकि ये लंब डाला हमने तो ये बराबर दो भागों में इसे डिवाइड करेगा, ये बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। वैसे डायग्राम में तो लग नहीं रहा, पर ये वैसे मैंने बनाने में दिक्कत हो गई, वो थोड़ा लंबा हो गया, पर ये दोनों को बराबर भागों में ही डिवाइड करेगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज को हम लंब डालेंगे तो वो दोनों, इन दोनों जो दो भुजाएं बनेंगी बी डी और डी सी, दोनों बराबर भागों में वो डिवाइड होगा, और जो बी सी का जो मान होगा वो बी डी प्लस डी सी के बराबर होगा। तो अगर हम बी डी निकालना है, अगर बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बी सी, यानी कि बी डी इस बी सी का हाफ है, हम इसे लिख सकते हैं, और इसको हम इक्वल में ए मानते हैं, ए मान लिया, ये जो है इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हमने ए मान लिया। अब हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस
इसमें आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो बीसी है ये पूरी एक एक भुजा थी, अगर हमने इस पर लंब डाला तो ये बीडी और डीसी के क्या नाम है डीसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, इसको और इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, और हमने जो बीडी है इसकी इसको हमने ए मान लिया है। अब हम इस पर इसको ए मान लिया है, और चूँकि हमें बीए के वैल्यू पता है 2a, बीडी की वैल्यू पता है 2a, तो अब हमें एडी की वैल्यू निकालनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जो कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे ए बी डी है तो हम यहाँ ए बी का स्क्वायर होगा, सॉरी क्या होगा, ये त्रिभुज में क्या है, हमने ए बी और डी ले रखा है तो हमने ए बी का स्क्वायर होगा, ये होगा ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस डी ए लंब डी ए का स्क्वायर। हमें पता है बी डी की वैल्यू बी डी बराबर ए है, और जो ए बी है ये बराबर 2a है, हमने मान रखा है। अभी हम सॉल्व करते हैं फिर से, तो ये 2a स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस का da का स्क्वायर, da को आप ad भी लिख सकते हैं, जो अब मैंने da लिखा है तो आप इसे ad भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब हम ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ये 2a का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसको हमने इधर भेज दिया, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर 4a हो जाएगा, ये 2a ऐसे रहेगा तो 4a में से 2a एक a जाएगा तो ये 3a बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a ए डी का स्क्वायर 4 इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 4a में से अगर 2a ये a का स्क्वायर a आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, a में से 4 में से a स्क्वायर जो है a गया तो ये 3 और अंडर ये आएगा a अंडर रूट 3a बचेगा, और जो स्क्वायर जाएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो हम इसको a अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो काफ़ी लंबा हो जाता है a, तो ad की वैल्यू में पता चल गई a अंडर रूट 3, अगर तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई ad की क्या है, a अंडर रूट 3a a अंडर रूट 3, ये जो आई ad की वैल्यू आ गई। अब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको लेंगे, तो पहले हम लेते हैं साइन 30, अगर हम साइन एंगल 30 लेते हैं ए लेते हैं तो साइन 30 के लिए ये लंब हो जाएगा, ये जो ये होगा साइन 30, अगर साइन 30 हमने सबसे पहले 30 का एंगल लिया है, 30 एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए लिया है हमने, सबसे पहले हमने 30 डिग्री के एंगल के लिए निकालने हैं अनुपात, क्योंकि जो मान होगा क्या होगा, तो हम जब 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो ध्यान दीजिए जो ये 30 डिग्री का एंगल है वो यहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो ये डायग्राम तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है साइन थीटा हम दे सकते हैं यहाँ पे, जो साइन थीटा है वो लंब
वृत्ताकर्ण होता है लंब, क्योंकि हमने यहाँ एंगल, यहाँ पे हमने एंगल 30 लिया है तो हम इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। इसको हमने देखा तो हम जो डायग्राम है इसको हम ऐसे पकड़ दे सकते हैं, इतने इतने को हम ढक देंगे तो हमें मतलब नहीं है, ये इस डायग्राम ये हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मैं ये डायग्राम दोबारा बना कर दिखाता हूँ। मैं ये जो हमने डायग्राम बनाया था ये डायग्राम है, इस ये बी टी सी ए 60 हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया, ये ए हो गया, ये 2A हो गया, ये ए अंडर रूट 3 हो गया, साइन 30 की वैल्यू ली है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 के लिए हमने ये 30 लिया तो हमने ये एंगल आएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण। तो बी डी लंब बट्टा कर्ण बी ए, इसको हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी डी अपॉन बी ए। साइन की जो मान होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, बी डी अपॉन बी ए लिख दिया। इसको हम बी डी की वैल्यू रखते हैं, बी डी की क्या वैल्यू है ए, और जो बी ए है जो कर्ण है उसका क्या है 2A। ठीक है 2A है। अब इसको हम ए से इसको ए कॉमन ले लिया जाए ऊपर से तो वन वहाँ ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा। यहाँ पे अगर ये हमने यहाँ से पूरे में से कॉमन ले लिया जाए ऊपर से 1 बचेगा यहाँ से 2 बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो साइन जो 30 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। इसी प्रकार हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल ये लिया है 30 तो इसके लिए भी आधार ये होगा और लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। ये भुजा बी ए भुजा कर्ण होगी, बी डी भुजा लंब होगी और ए डी भुजा आधार होगी। हम 30 की वैल्यू एंगल 30 ले रहे हैं ना इसीलिए। तो कॉस 30 कॉस हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, अभी हमने पढ़ा है इतनी देर से। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो अब इसमें देखते हैं 30 कॉस 30 के लिए क्या होगा, आधार ये हो जाएगा ए डी, आधार हो जाएगा ए डी आधार हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं ए डी आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हो गया ए बी। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, ए डी की वैल्यू क्या है ए अंडर रूट 3 और 2A। अगर ए कॉमन ले लिया जाए अंडर रूट 3 अपॉन 2, हमने ए कॉमन ले लिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 2 अंडर रूट थ्री अपॉन 2 ये हो जाएगी कॉस 30 की वैल्यू। तो हम ले सकते हैं कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसी प्रकार से हम और भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं टैन उनका उसका निकालते हैं। टैन 30 के लिए जो टैन 30 होता है टैन 30 के लिए भी यही होगा, हमें पता है टैन लंब बटे आधार होता है तो टैन 30 के लिए लंब ये आ जाएगा और आधार ये ए डी आ जाएगा। तो हम इसे टैन 30 के लिए हम ले सकते हैं लंब बी डी अपॉन ए डी आधार ए डी हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, बी डी की वैल्यू कितनी है ए
AD, जो BD की वैल्यू है, BD वो A है, BD बराबर हमने A माना था, तो हम BD की वैल्यू, BD जगह हमने A रख दिया और AD की वैल्यू रखते हैं। AD बराबर क्या है, A अंडर रूट 3, A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। तो हम ले सकते हैं जो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/√3। इसी प्रकार से अब आप tan cos sec आप ट्राई कीजिएगा, cos sec 30 की वैल्यू आएगी। मैं सभी के सॉल्व नहीं करके मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ, मैं आप इसी प्रकार से हम इसी जिस तरह सॉल्व हुए हैं इसी प्रकार से सभी आगे जो cos sec 30 है, sec 30 और cot 30 है, सबकी वैल्यू इसी प्रकार से सॉल्व होकर के उनकी वैल्यू आएगी। मैं उनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मैं cos sec 30 की जो वैल्यू है वो आएगी 2, sec 30 की वैल्यू आएगी, जो sec 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आएगी 2/√3, और cot 30 की वैल्यू जो आएगी वो है 1/√3। अब हम ये तो 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का अब हमने तो सॉल्व किया है, ये 30 डिग्री के लिए किया था। अब हम करेंगे 60 डिग्री के लिए कि 60 डिग्री पे उनके क्या वैल्यू होंगी, उनके क्या मान आएंगे। एंगल जो होगा वो हमारा 60 का होगा, तो हम एंगल 60 का पकड़ेंगे। जो त्रिभुज होगा हमारा, अब ये होगा त्रिभुज, ऐसे 60 है तो ये लंब होगा अब, और ये आधार हो जाएगा BD, और जो BA है वो कर्ण ही रहेगा। फिर हम इसे भी सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार साइन 60 के लिए हमें पता है, साइन 60 के लिए हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 60 डिग्री लिया है, तो 60 डिग्री के लिए अब जब ये एंगल B लिया है तो इसके लिए लंब AD लंब हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं AD लंब बटा कर्ण AB। लंब की क्या वैल्यू है, A√3/ कर्ण की क्या है, 2A। तो साइन 60 का मान कितना आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/√3/2। यह है साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3/2। इसी प्रकार से हम कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 60 के लिए यही रहेगा सेम, लंब AD हो जाएगा, आधार BD हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार BD हम ले सकते हैं, BD/ कर्ण, कर्ण क्या हो गया, AB। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, BD की वैल्यू क्या है, A, और AB की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू क्या है, A, AB की वैल्यू क्या है, 2A। A से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। हम लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इसी प्रकार से हम tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 1/√3 आएगी, cos sec 60 की वैल्यू निकालेंगे जो कि cos tan 60 की वैल्यू 1/√3 आई। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे, tan 60 के लिए भी सॉल्व करेंगे, सेम त्रिभुज ये होगा। और इसी प्रकार से हम बाकी अनुपातों के लिए, इसी cos sec 60 के लिए, तो cos sec 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3, sec 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और cot 60 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√3। अब हमने एंगल सभी 30 और 60 के एंगल के लिए त्रिकोण सभी अनुपातों के लिए वैल्यू पता कर ली है। इसी प्रकार से अब हम 0
एंगल जीरो के लिए भी निकालेंगे, एंगल जीरो के लिए भी ऐसी वैल्यू निकालेंगे हम, जीरो के एंगल के लिए और 90 और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। क्योंकि जब ये हमने त्रिभुज बनाया, ये जो त्रिभुज होगा ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ये 45 के हैं। अगर हमने ए एंगल को, इस एंगल को जीरो बनाना है, जीरो बनाएंगे तो ये काफ़ी पास हो जाएगा। तो इसके लिए ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा पहला डायग्राम, तो डायग्राम ऐसे था, हमने ये अगर 45 से इसको जीरो किया तो ये डायग्राम इतना आ जाएगा। तो ये ए बी बराबर ए डी बराबर ए बी बराबर ए सी हो जाएगी, ये दोनों भी बराबर हो जाएगी। तो जिसके लिए जो साइन जीरो के लिए जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो जो ये लंब बटा आधार होता है, तो हम एंगल जीरो हो जाएगा तो ये जो भी पूछे दोनों बराबर हो जाएगी, तो इनके मान भी सेम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो हम ले सकते हैं जो साइन जीरो डिग्री का होगा उसका मान जो है जीरो होगा। कॉस के लिए आधार बट्टी कर्ण हो जाएगा, ये जो साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण होगा तो आधार बट्टी कर्ण सेम, ये भी उसमें वही आ जाएगा। तो जब ये सेम होगी तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं वन से। तो कॉस जीरो की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी वन। अब हम इस बेस पे हम टेन जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। हमें साइन जीरो की वैल्यू पता है, कॉस जीरो की वैल्यू पता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन जीरो अपन कॉस जीरो। चूँकि हमें साइन जीरो कॉस जीरो की वैल्यू पता है तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे। जीरो और वन, तो इसका आंसर जो आएगा वैल्यू आएगा जीरो। तो हम लिख सकते हैं टेन जीरो की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। इसी प्रकार से हम कॉट के लिए निकाल सकते हैं, कॉट जीरो के लिए हम वन अपन टेन जीरो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा को हम वन अपन टेन थीटा ले सकते हैं। टेन जीरो की वैल्यू पता है हमें, जीरो वन अपन जीरो, और जीरो से वन में जो हम भाग करेंगे तो ये अभी परिभाषित नहीं होता है, तो उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, इसे अपरिभाषित अभी परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हम सेक जीरो की वैल्यू निकालेंगे, जो सेक जीरो क्या होता है, वन अपॉन का कॉस जीरो होता है। तो हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। आप ट्राई कीजिएगा निकाल कर, कोशिश करना आप निकालने की, ना हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। कॉस सेक जो कॉस सेक जीरो के लिए भी वन अपॉन साइन जीरो होगा, साइन जीरो की वैल्यू रखेंगे तो जिसका भी इसका भी कोई परिभाषित हल नहीं आएगा, इसलिए हम इसे इनफाइनाइट करते हैं, ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो सभी हमें इसी प्रकार से, और हमें सभी चीज़ की सभी की वैल्यू पता चल गई, जीरो के लिए पता चल गई, 90 के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। 90 के लिए क्या होगा, जब ये एंगल 90 के लिए हम जब बनाएंगे तो ये जो कोण होंगे ये लंब काफ़ी ऊँचा हो जाएगा और डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिससे एंगल ए की जो होगी ये एंगल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको भी हम इसी प्रकार से डिफाइन करके मैं आपको बता देता हूँ। जो
क्योंकि साइन जीरो अगर की वैल्यू जीरो हो तो हम इसको एंगल बड़ा करने पे इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो इसका वैल्यू बनाएगी, और जो कॉस है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसलिए जब साइन वन होगा तो कॉस 90 में साइन कॉस जीरो होगा। इन सब वैल्यू को याद करने के लिए एक टेबल टेबल होती है, मैं वो टेबल आपके अभी मैं बनाता हूँ टेबल। अब इस इनकी जो वैल्यू है हमें याद रखने के लिए इस टेबल को याद करना पड़ेगा। हमने एंगल ए ले लिया, जीरो डिग्री का ले लिया पहले, फिर 30 डिग्री का, फिर 45, 60 और 90। एंगल अगर हमने साइन ए लिया, अभी हमने निकाला साइन ए पे जो साइन जीरो की वैल्यू आती है वो है जीरो, 30 पे निकाला क्या आया था 1/1/2, 45 के लिए क्या आया था 1/√2, 60 के लिए 3√2 और 90 के लिए 1। कॉस ए के लिए जब साइन ए जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो कॉस 30 की वैल्यू है वो हमने निकाला था 3√2 आई थी, 45 के लिए 1/√2 जो कि सेम साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती हैं, 60 के लिए 1/2 और 90 के लिए 0। आप यहां देख सकते हैं साइन जीरो की वैल्यू 0 है, 30 पे 1/2 हो गई है, 45 पे 1/√2 हो गई है, 60 पे 3√2 हो गई है वो हमने, और 90 के लिए 1। और आप देख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है वही उल्टा कॉस की वैल्यू है, साइन जीरो पे ये 90/1 जैसे। सेम आप इसे ये भी देख सकते हैं, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो तो आप उसके बेस पे कॉस की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट होते हुए 1 पे गई है, तो ये सीधे वो कॉस में ये 1 से स्टार्ट होते हुए 0 से गई है। अब एंगल जो आएगा ये टेबल, हम टेबल बना देते हैं इसे, अब आते हैं टेन ए। अगर एंगल लेंगे तो टेन ए का हमने निकाला था जीरो पे, उसकी वैल्यू आई थी जीरो, और 30 के लिए निकाला था हमने वो आया था 1/√3। 10/45 का मान जो होता है वो 1 होता है, हमने अभी सॉल्व किया था 10/45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 10/60 की वैल्यू क्या होती है, 10/60 की वैल्यू 3 होती है, और 90 पे ये परिभाषित इसे नहीं किया सकता, इसलिए ये अपरिभाषित होती है। इसी प्रकार से हम कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें साइन की वैल्यू पता होगी तो हम साइन की वैल्यू की वजह की सहायता से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, जो साइन की वैल्यू आएगी उसका अपोजिट उल्टा कॉसेक की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, तो हम ये कॉस में ये 1 से स्टार्ट होगी जीरो तक जाएगी, और जब हमें साइन की वैल्यू पता होगी और कॉस की वैल्यू पता होगी तो हम टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, इस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस फॉर्मूले की बेस पे हम टेन की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/ का साइन थीटा लिखते हैं, साइन की वैल्यू पता होगी तो हम इसकी वजह से हम कॉसेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप इस बेस पे आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू आपको पता है कि जीरो पे जीरो होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे 3√2 होती है, और 90 पे 1 होती है,
अगर हमने साइन की वैल्यू याद कर ली, पता हो गया कि 60 पे कितनी होती है, 90 पे कितनी होती है, उसके बदले हम ये टेबल बना लेंगे। कॉस की वैल्यू सीधे साइन की जो वैल्यू होती है उसकी अपोजिट लिखी जाती हैं। साइन में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो कॉस में हम वन से और रूट थ्री बटा दो चार वन अपन अंडर रूट टू एक बटा दो और जीरो पे ख़त्म करेंगे। फिर टेन के लिए हम साइन थीटा अपन कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे, जिस बेस पे हम टेन की वैल्यू भी निकाल देंगे। और कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम वन अपन साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, जिससे हम कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉसेक जो ए है एंगल, उसकी जो जीरो वैल्यू आएगी जीरो के लिए, वो परिभाषित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वन अपॉन जीरो साइन ये वन है और जीरो है, इसका हम डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई परिभाषित वैल्यू नहीं आती है, इन्फिनिटी जाती है, तो इसे आप परिभाषित कर देते हैं हम। इसी प्रकार से जो थर्टी की वैल्यू होगी, साइन थर्टी की वैल्यू क्या होगी कॉसेक के लिए? टू होगी, ये होगी टू। इसे हम दिखा सकते हैं कैसे, ये वन अपॉन जीरो की जगह हम वन बाई टू रख देंगे, तो ये दो ऊपर चल जाएगा, तो जिससे ये दो आ गया। इस प्रकार से हम 60 की वैल्यू निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी, ये अंडर रूट टू आ जाएगा। इसी फार्मूले पे साइन की वैल्यू रखते जाओगे आप, तो कॉसेक की सभी वैल्यू एक एक करके पता चल जाएंगी हमें। 60 के लिए वन अपॉन टू दो अपॉन रूट थ्री होता है, और 90 के लिए वन होता है। इसी प्रकार से हम अगली वैल्यू निकालते हैं, सेक की वैल्यू सेक थीटा के लिए निकालते हैं। सेक ए सेक थीटा, तो सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। थर्टी की वैल्यू होती है टू अपॉन अंडर रूट थ्री और अंडर रूट दो, और 60 के लिए दो, और ये 90 के लिए इन्फिनिटी। जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो साइन ए है, साइन ए की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, वन पे जाती है, और जो कॉस होती है साइन की जस्ट अपोजिट होती है, ये वन से स्टार्ट होती है और सेम फिर ये जीरो तक जाती है। साइन की वैल्यू से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू को अपोजिट कॉस होती है, और साइन और कॉस की वजह से टेन निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, और वन अपॉन कॉसेक की वैल्यू वन अपॉन साइन थीटा की वजह से हमने कॉसेक की वैल्यू निकाल ली, और जो कॉसेक की वैल्यू आती है वो वही अपोजिट सेक की वैल्यू जाती है। जैसे ये साइन की वैल्यू कॉस हो जाती है, उसी तरह कॉसेक की वैल्यू सेक हो जाती है, सेक थीटा की हो जाती है। अब लास्ट में आता है कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? जीरो के लिए ये भी इन्फिनिटिव होती है, और ये 30 के लिए रूट थ्री होती है, क्योंकि कॉट के लिए कॉट थीटा बराबर हम वन अपन का टेन थीटा ले सकते हैं। टेन थीटा की जगह अब जीरो की चाहिए, तो जीरो टेन थीटा की जगह हम जीरो की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू के लिए जीरो जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। वन अपन अंडर रूट थ्री रखेंगे तो ये रूट थ्री हो जाएगी, और वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगी, रूट थ्री रखेंगे तो ये वन अपन का रूट थ्री हो जाएगी, और इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। तो आप किसी बहुत ही इजी तरीके से केवल साइन की वैल्यू याद रखने से आप बाकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा के लिए हमने टेन थीटा और साइन थीटा अपन कॉस थीटा फॉर्मूला लगा के हम टेन की वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए वन अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, और जो सेक की वैल्यू होती है वो कॉसेक की वैल्यू की अपोजिट होती है। कॉट के लिए हमने वन अपन टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो अब हमें सभी एंगल पे सभी नियतांकों की जो वैल्यू है साइन कॉस टेन की वैल्यू पता चल गई कि क्या इनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं। वन के लिए क्या होती है, जीरो के लिए क्या होती है, और 30 के लिए क्या होती है, 30 45 और 60 90 के लिए हमने सबके लिए वैल्यू निकाल ली। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमें थोड़ा क्वेश्चन करते हैं जिससे हम पता चलेगा कि इनकी वैल्यू हमने क्यों निकाली है। अब हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब
ये हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें एक एबीसी त्रिभुज दिया है जिसका बी समकोण है। मैं एक सवाल देते हैं, हम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हम एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, आप दे सकते हैं। बुक्स में ही एक जो एग्जांपल नंबर दिया है 6, इसी को हम सॉल्व करते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी है इसका बी कोण समकोण है और ए बी 5 सेंटीमीटर है, जो कोण ए सी बी है वो 30 डिग्री का है, तो हमें पूछा ए बी बी सी और ए सी की ऊंचाई लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन करने जा रहे हों तो हम उसका, हमें याद रखना चाहिए कि हमें उसका एक रफ डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के मुकाबले जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, जिसका बी इसने बोला है कि बी कोण सम 90 डिग्री का है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का। और जो ए बी है, ए बी ये जो ये भुजा ए बी है ये 5 सेंटीमीटर की है, और जो एंगल ए सी बी है ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ए सी बी एंगल ये है कितनी है 30 डिग्री का है। तो हमें बी सी बी और बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। हमें दे रखा है एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, बी सी और ए सी की लंबाई, भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। हम डायग्राम पे आते हैं, चित्र पे देखते हैं कि हमें अगर कोण सी लेते हैं, सी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। हमें लंब दिया है पहला, अगर हम बी सी निकालते हैं, बी सी ये निकालते हैं, ठीक है। तो बी सी निकालने के लिए हमें देखते हैं बी सी में क्या है, ए बी दिया है, बी सी निकालना है और ये एंगल 30 डिग्री का है। तो हम जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन पर हम गौर उसको याद करेंगे कि ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें ए बी और सी बी यानी कि लंब और आधार दोनों आते हों, ए बी लंब आए और आधार भी आए, ए बी और बी सी दोनों आए। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं जो फार्मूला बताता हूँ वो फार्मूला लिख लेते हैं। अब इस फार्मूले की वजह से हम देखते हैं कि लंब और आधार किस में आ रहा है। तो ये होता है साइन, साइन में लंब और कर्ण आता है, ये तो है नहीं। साइन कॉस में आधार और कर्ण आता है, ये भी नहीं है। लंब आधार ये टैन में आ रहा है, तो हम इसको टैन थीटा मान सकते हैं। टैन थीटा बराबर लंब ए बी अपॉन बी सी। अब हमें पता चल गया कि ये टैन थीटा की वैल्यू हो सकती है ए बी और बी सी, इसमें लंब और आधार आता है। अब थीटा की जगह हम 30 रख लेते हैं, टैन 30 के लिए। ए बी की वैल्यू क्या है, 5, और बी सी की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। तो बी सी बराबर माना हमने पी, क्यू ले लिया माना, तो हम यहाँ पे क्यू ले सकते हैं। आप क्यू ले सकते हैं, नहीं तो हम बी सी की वैल्यू बी सी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं,
कोई इससे डिफेंड नहीं होगा। अब हमें याद रखना है कि जो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि टेन थर्टी डिग्री की जो वैल्यू होती है, टेन थर्टी की वैल्यू अभी हमने निकाला वन अपॉन रूट थ्री, हमें टेन थर्टी की वैल्यू पता चल गई, ए बी की वैल्यू पता चल गई, बी अब हमें बी सी निकालना है, ठीक है। तो हम टेन थर्टी की वैल्यू यहाँ पर टेन थर्टी की वैल्यू रख सकते हैं हम वन अपॉन रूट थ्री, और पाँच अपॉन क्यू, तो ये क्या आएगा, आपने हमने पढ़ा होगा छः सात में, अब इसकी हम तिरछी गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर क्यू इजकल टू फाइव अंडर रूट थ्री। क्यू क्या था, बी सी, तो बी सी बराबर पाँच रूट थ्री सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है तो हम सेंटीमीटर भी लिख देंगे। हमने एक सॉल्व कर लिया, पहला क्या क्या था, पूछा था बी सी की वैल्यू पाँच रूट थ्री आ गई। अब हमें निकालनी है ए सी, हम फिर से डायग्राम पर देखेंगे, ए सी, ए सी में आ रहा है कर्ण, अब हमें लंब पता है, लंब के जरिए से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, और तीस डिग्री का कोण है, तो अब ऐसा देखते हैं कि ऐसा कौन सा नेतांक है जिसके जिसमें लंब भी आ रहा है और कर्ण भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लंब और कर्ण साइन में आता है, लंब और कर्ण साइन में आता है, तो हम इसे साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन का ए सी, साइन थर्टी डिग्री का क्या, ए बी का वैल्यू कितनी है पाँच, ए सी हमें निकालनी है, तो हम ए सी की वैल्यू ऐसी रख देंगे, क्योंकि साइन थर्टी इजकल टू वन बाई टू हमने भी निकाला, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं वन बाई टू इजकल टू फाइव ए सी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दस सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए सी की बी सी की वैल्यू कितनी आई है, फाइव फाइव रूट थ्री, और जो ए सी ए ए सी की सी ए या ए सी की वैल्यू आई है वो आई है टेन सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हम एक्सरसाइज के लिए तरफ आते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मेन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर से हम एनसीईआरटी की बुक देखते हैं, जी ये सेवन नंबर क्वेश्चन है, वो सेम जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी बेस पे होगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने अब हम एट नंबर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो उदाहरण नंबर आठ है उसको देखते हैं। इसमें हमने साइन ए माइनस बी बराबर वन एक बटा दो दे रखा है, और जो कॉस है ए प्लस बी उस बराबर उसका भी एक बटा दो दे रखा है, और जो ए प्लस बी है वो जीरो से बड़ा है और नब्बे से बराबर या छोटा है, और ए बड़ा है बी से, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम देखते हैं। पहले दिया है साइन ए माइनस बी एक बटा दो, इसको हम और कॉस ए प्लस बी बराबर ए बटा दो, हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम इसको लिख सकते हैं
साइन ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी वन बाई टू, तो जो साइन 30 की वैल्यू बटा 2 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 30, और कॉस ए प्लस बी 1/2, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू 60। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन मान ली। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करनी है। हमने 6-7 पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा 9-10 में, ये दो इक्वेशन बनती हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करने का तरीका हमने इन्हें ऐड कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को। हम ये मैं यहीं पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको हम अलग से ही कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 60 आ जाएगा, फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है क्वेश्चन लंबा खींच जाएगा, इससे हम बढ़िया है कि हम जो ए प्लस बी है इसको ऊपर रख लें, और ए माइनस बी को हम नीचे ले सकते हैं। अब इसको हम माइनस करते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो आएगी हमारी 50। हमें v की वैल्यू पता हो गई है, और हम v की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन डाल रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में ज़्यादा दे सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी दे सकते हैं, तो इक्वेशन तो a प्लस तो जो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 45, a बराबर 45। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज एक पॉइंट अगली एक्सरसाइज जो आई है, हमारी अगले एक्सरसाइज है, इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है मान निकालिए। इसमें क्या है, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 वैल्यू है, हमें पता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन और बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से सॉल्व होगा बाकी क्वेश्चन भी सेम ही इसी तरीके से सॉल्व करने हैं हमें। क्वेश्चन मैं यहाँ क्वेश्चन पहला ले सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं साइन 60 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ, मैं अगले एक मिनट इसको अगले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं हम दोबारा यहाँ, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। अब हमें पता है, अब हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें सब डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख के और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन 60 की वैल्यू रखनी है, कॉस 30 की वैल्यू रखनी है, तो हम डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू भी 3√2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, हमने साइन 60 की वैल्यू रख दी, कॉस 30 की वैल्यू रख दी, साइन 30 और 60 कॉस 60 की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, √3/2 √3/2 का ये हो जाएगा 3/4।
फोर, वन बाई टू, वन बाई टू हो जाएगा, ये वन बाई फोर, इसको हम सॉल्व करते हैं, फोर और ये थ्री वन प्लस वन, ये का फोर बाई फोर, इसका फोर से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा वन, ये आ गया आंसर हमारा वन। और इसके सभी क्वेश्चन सेम हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, आप कोशिश कीजिएगा करने की, अगर कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन लिख दें, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व करके दिखा दूँगा। सेम क्वेश्चन ये भी 30 की वैल्यू रख देंगे हम, और ये 1/2 करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, टेन ए प्लस की वैल्यू रूट थ्री दी है और टेन ए माइनस बी की 1/√3 दी है, ये भी सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 के जैसे ही है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, टेन ए प्लस बी रूट थ्री दी है और टेन ए माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। टेन रूट थ्री की वैल्यू, जो टेन रूट थ्री की वैल्यू होती है वो होती है 60 की, तो हम इसको ए प्लस बी 60 ले सकते हैं, और जो 1/√3 होती है वो 30 की होती है, ए माइनस बी 30 हो गया। ये क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू जिसे हम एक समीकरण एक दो की कंपेयर करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2b 30 बी इजकल टू 50, ये हमारा b का मान आ गया। हम b की वैल्यू हम इसमें किसी समीकरण के एक में रख देंगे, तो a प्लस 60 a इजकल टू ए की वैल्यू क्या आ गई 45। सो फ्रेंड आप बाकी क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली बार उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, और आगे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।